अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स के बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के पार्ट 1 में हमने ब्रैसिका कंपेस्ट्रस यानी मस्टर्ड प्लांट मतलब सरसों के पौधे के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। मटेरियल्स में हमें एक फ्रेश ब्रैसिका प्लांट चाहिए, इसके अलावा डाइसेक्टिंग बॉक्स और मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। एक ताज़ा ब्रासिका का पौधा लें और इसकी जड़ों, तनों और पत्तों और फूलों का मुशाहदा करें। पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को फोर्सेप्स की मदद से अलग करें और मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इनका अलग अलग मुशाहदा करें। ब्रासिका कंपेस्ट्रस एक डाइकोट एंजियोस्पर्म है। इस पौधे के सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं, इसलिए इसे डाइकोट कहते हैं और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसीलिए इसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। एरियल पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं जो ज़मीन के ऊपर मौजूद होता है, इसके अलावा ज़मीन के अंदर वाले हिस्से को रूट सिस्टम कहते हैं। इस पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्कस करते हैं। इस पौधे में फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम और लीफ शामिल हैं। इसके अलावा बर्ड जिससे नई शूट निकलती है। नोट, स्टेम का वो हिस्सा जहाँ से लीफ निकलता है इसे नोट कहते हैं। 2 नोट्स के दरमियान फासले को इंटरनोट कहते हैं। ब्रासिका प्लांट की बॉडी 2 मेन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, वेजिटेटिव पार्ट्स जिसमें रूट, स्टेम और लीफ शामिल हैं। नंबर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिसमें फूल, सीड्स और फ्रूट्स शामिल हैं। फ्रूट्स फ्लावर से डिवेलप होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में सबसे पहले हम रूट को डिस्कस करेंगे। रेडिकल से पहली थिक रूट जो निकलती है इसे प्राइमरी रूट कहते हैं। इससे निकलने वाली ब्रांचेस को सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। सेकेंडरी रूट से जो बारीक ब्रांचेस निकलती हैं इनको टर्शियरी रूट्स कहते हैं। टर्शियरी रूट्स पर रूट हेयर्स होते हैं। दूसरा हिस्सा वेजिटेटिव पार्ट्स में स्टेम का है। ब्रासिका का स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होता है, ये ज़मीन के ऊपर मौजूद होता है और प्लोम्यूल से निकलता है। स्टेम के साथ लीव्स, ब्रांचेस और फूल लगते हैं। ब्रासिका के पत्ते नर्म और सब्स होते हैं, ये नोड्स से निकलते हैं। ज़मीन के पैरेलल लीव्स बाईफिशियल होते हैं, यानी इनके ऊपर वाली सरफेस लोअर सरफेस से मुख्तलिफ होती है। लीफ में पेट्यूल होती है जो कि लीफ का निचला हिस्सा होता है और स्टेम के साथ जुड़ा होता है। लैमिना लीफ की सरफेस होती है और इसे लीफ प्लेट भी कहते हैं। लीफ के सेंटर में एक फूली हुई वेन होती है जिसे मिड्रिप कहते हैं। मिड्रिप से वेन्स निकलती हैं जो वेस्कुलर टिश्यूज पर मुश्तमिल होती हैं। लीफ की सरफेस पर वैक्सी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। स्टेम और लीफ के दरमियान जो एंगल बनता है इसे एक्सल कहते हैं। एक्सल में बर्ड्स मौजूद होती हैं जो ग्रो करके ब्रांचेस में तब्दील होती हैं।